गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कल किसी तकनीकी कारण से क्लास नहीं हो पाई थी, तो आज हम क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था डीडीटी का फ्रियोन का और हैलोजेनिक क्रियाशीलता का। आज हम डिस्कस करेंगे बीएचसी का। किसको डिस्कस करेंगे? BH6, जिसको हम बोलते हैं बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। देखो, बेंजीन C6H6 होता है, हेक्सा क्लोराइड का मतलब क्या होता है कि 6 क्लोरीन हो। कितने क्लोरीन हो? 6। तो आज हम डिस्कस करेंगे किसका? BHC, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है C6H6Cl6, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है C6H6Cl6। देखिए स्टूडेंट, इसको जो सामान्य नाम है, अरे यार तू मत गड़बड़ कर दी भाई, इतना चौक बहुत है। अब हम देखेंगे कि इसको जो निर्माण विधि है वो क्या है। इसका जो निर्माण विधि है, देखो इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है। अन्य नाम क्या है? लिनेन 66, गैमेक्सिन, ये सब क्या है? इसके नाम है, लेकिन हम इसको बनाने की विधि पढ़ेंगे। बनाने की विधि क्या है कि जब बेंजीन की क्रिया, किसकी क्रिया? बेंजीन की क्रिया Cl2 से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराई जाती है, तो ये पढ़ती है। बेंजीन की क्रिया Cl2 से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराई जाती है। देखो, आपको पता है बेंजीन में एकांतर क्रम में द्विबंध पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? द्विबंध। सूर्य का प्रकाश, ये अपना चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। 6Cl2 से इसकी हमने रिएक्शन कराई तो क्या बनेगा? देखिए, सभी द्विबंध टूटेंगे और एक एक क्या जुड़ जाएगी, सभी बंधों को टूटने से थ्री, ये क्या बन गई? C6H6Cl6। ध्यान से देखो, देखो जो इसके अन्य नाम है, अन्य नाम क्या क्या है, याद रखने हैं। लिंडेन 666 और गैमेक्सेन, और क्या नाम है? गैमेक्सेन। ये इनके अन्य नाम है जिनको आपको याद रखना है। ये निर्माण विधि है, बेंजीन क्रिया Cl2 से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराने से क्या बना? C6H6Cl6 बना। अब जो इसका उपयोग होता है, इसका उपयोग भी कीटनाशी के रूप में होता है। आप देखिए, इसका उपयोग इसके रूप में होता है कीटनाशी। जो भी अपने
कीट होते हैं उनका नाश करने में इनका उपयोग किया जाता है। इसके अनेक मिश्रण हैं, यह जो क्या है अनेक समावयवियों का मिश्रण है, जैसे कि अल्फा है, बीटा है, गामा है, एप्सिलॉन है, डेल्टा है, नीटा है और थीटा है। इन सभी का क्या है, ये सभी समावयवियों का क्या है, मिश्रण है। अनेक समावयवों का मिश्रण, कौन कौन समावयवी, अल्फा, बीटा, गामा, एप्सिलॉन, डेल्टा, नीटा एंड थीटा, अनेक समावयवियों का मिश्रण है। कौन कौन से हैं, अल्फा, बीटा, गामा, एप्सिलॉन, डेल्टा, नीटा, सॉरी डेल्टा पहले आता है, एप्सिलॉन बाद में आता है। अब देखो यदि आपसे पूछा जाए इसका IUPAC नाम क्या होगा, बताओ भाई, सभी को पता होना चाहिए इसका IUPAC नाम। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, IUPAC नेम क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 हेक्सा, 1 2 3 4 5 6 हेक्सा क्लोरो। अब कैसा है ये, साइकिल में है, चक्रीय है, साइक्लो, कितने कार्बन है, 6 के लिए हेक्स और सभी एकल अल्टरनेट फॉर्म में एकल बंद है तो एन लगेगा एल्केन सीरीज, 1 2 3 4 5 6 हेक्सा क्लोरो, 1 2 3 4 5 6 हेक्सा क्लोरो, 1 2 3 4 5 6 है तो 1 2 3 4 5, देखो 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, तो 6 क्लोरीन है। अब की हमने स्थिति दर्शाई कि किस किस स्थिति पे है, वो पहले कार्बन, दूसरे कार्बन, तीसरे कार्बन, चौथे कार्बन, पांचवे कार्बन, छठे कार्बन, हेक्सा जुड़ा क्या है, क्लोरीन, तो क्लोरो, साइक्लो चक्र ये है और चक्र में कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, तो 6 के लिए क्या होगा, हेक्सेन होगा। 721-933 वाली कॉइल की बना है वीडियो, ठीक है, या तो वो घर में डाउनलोड कर दी थी लेकिन वो नोटिफिकेशन तुम्हें कॉल में आया था, तो प्रोसेसिंग चल रही थी, कंप्लीट भी रहेगी HD वर्जन, तो HD वर्जन भर रही थी जब वो नेट खत्म हो रहा तो भेजा तो ठीक से एक बार फिर देख लिए। हम आप कहाँ जा रहे हो, मैं जा रहा हूँ लैपटॉप में घर लिए, ठीक मत लिया, ठीक है। हेक्सा क्लोरो साइक्लो हेक्सेन, अब देखो BHC व DDT का वातावरण पर प्रभाव, अब दोनों का वातावरण प्रभाव के साथ पढ़ लेंगे। BHC व DDT का वातावरण पर प्रभाव, देखो भाई क्या होते हैं BHC DDT, ये लंबे समय तक विघटित नहीं होते हैं, लंबे समय तक क्या नहीं होते हैं, विघटित नहीं होते, विघटित नहीं होते तो खाद्य श्रृंखला के साथ ये बने रहते हैं, और जब खाद्य श्रृंखला जैसे आपने फसलें बोई जो भी कुछ किया उसके साथ ही बने रहे हैं तो उसके थ्रू कहां जाएंगे, खाद्य श्रृंखला में, यानी आहार श्रृंखला में, आहार श्रृंखला जाने के बाद हमने शरीर प्रवेश करेंगे तो ये क्या करेंगे, दुष्प्रभाव दिखाएंगे अपने, है ना, ये अत्यधिक, ये लंबे समय तक, ऐसे लिखो ये लंबे समय तक क्या रहते हैं, स्थायी रहते हैं, जिससे विघटित नहीं हो पाते हैं, क्या नहीं हो पाते हैं, ये विघटित नहीं हो पाते हैं और ये खाद्य श्रृंखला जो आहार श्रृंखला है उसमें क्या कर लेंगे, प्रवेश कर जाएंगे।
खाद्य श्रृंखला के साथ शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे शरीर में अनेक बीमारियां जन्म लेती है। शरीर में क्या होता है, अनेक बीमारियां जन्म लेती है, तो अपने लिए नुकसानदायक है। नंबर दो, भाई देखो ये लंबे समय तक इस तरह रहते हैं, मृदा में है तो क्या करेंगे, मृदा प्रदूषण करते हैं। जब मृदा प्रदूषित होगी तो उर्वरता क्या होगी, उर्वरकता क्या होगी, उर्वरकता शक्ति कम होती है। जब मृदा प्रदूषित होगी तो ये क्या करेगा कि उसकी उर्वरक शक्ति को क्या करेगा, कम करेगा। और तीसरा क्या है कि जीव की तंत्रिका कोशिका को प्रभावित करता है। कौन सी कोशिका प्रभावित करता है, तंत्रिका कोशिका प्रभावित करता है। इस प्रकार से अपने आज चैप्टर कंप्लीट हो गया है, बीएचसी भी पढ़ लिया है। ठीक है विद्यार्थियों, अगर कोई भी कुछ भी केमिस्ट्री समझ में नहीं आया है तो आप हमें जरूर बताइएगा, और हमारा चैनल अनूप केमिस्ट्री इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आज का टॉपिक इतना ही था, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।